नून लीग साजिशी जमात बन चुकी है। नवाज शरीफ की तकारीर से हुकूमत को नहीं बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मौन खुसूसी शहबाज गिल के शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद, कहा अगर आपकी जायदादें निकल आई हैं तो फौज पर गंद मत फेंके, आपको जवाब देना होगा। ये टब्बर भारत एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। नवाज शरीफ जब फंसते हैं तो जमहूरियत का चैंपियन बनते हैं। जवाब आपको देने पड़ने हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें, हमारे दिफाई इदारों पर अपना गंद मत फेंकें। बुनियादी तौर पर तो आप ये जो उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये शुरू नहीं करते। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा, ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि इवेंचुअली ही गेट ड्रिवन इन टू इट एंड ही रीच्ड इन एनिमीज लैंड, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है अपने लोगों को फारिग करते हैं, अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते, खुद क्यों नहीं आप तशरीफ लाते।